सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा की तरह जब भी 1, 2 या 3 तारीख आती है तो हम बात करते हैं 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो आज भी हम इसी वक्त के बारे में बात करेंगे कि अगस्त के महीने में 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है, और उसे हम कुछ इस प्रकार बात करें कि सबसे पहले हम उसके प्राइजिंग के बारे में बात करेंगे, साथ में हम उसके इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि अगस्त के महीने में उस गाड़ी ने कितनी यूनिट सेल्स की है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम नंबर 10 की बात करते हैं तो नंबर 10 पर आती है हुंडई की वेन्यू, जो पिछले महीने टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं थी और इस महीने ये गाड़ी 10 नंबर पर आई है, और इस गाड़ी ने 8,377 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से ये आपको 6.99 लाख से लेके 11.85 लाख की ये प्राइसिंग करती है, और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 9 पर कौन सी गाड़ी आती है। अगर हम नंबर 9 की बात करते हैं तो नंबर 9 पे आती है किया की सेल्टस। इस गाड़ी ने अगस्त के महीने में 8,619 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 9.95 लाख से लेके 18.10 लाख की ये प्राइसिंग करती है। वहीं अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिल जाती है, और अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 8 पर कौन सी गाड़ी आती है। वहीं अगर हम नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी की वैगन आर, जो पिछले महीने नंबर 1 के पोजीशन पर थी, वो इस महीने सीधा नंबर 8 के पोजीशन पर आई है, और इस गाड़ी ने 9,628 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 4.80 लाख से लेके 6.33 लाख की ये प्राइसिंग करती है, और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और सीएनजी मिलती है, जिस वजह से इसमें काफ़ी आपको बेहतरीन माइलेज भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 7 पर कौन सी गाड़ी आती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर हम नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पर आती है टाटा की नेक्सोन, जो पिछले महीने नंबर 9 के पोजीशन पर थी, वो इस महीने नंबर 7 के पोजीशन पर है, और इस गाड़ी ने 10,006 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 7.28 लाख से लेकर 13.23 लाख की ये प्राइसिंग करती है, और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में मिल जाती है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे ग्लोबल एनकैप में से 5 में से 5 स्टार मिली है। तो चलिए जानते हैं नंबर 6 पर कौन सी गाड़ी आती है। अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पर आती है मारुति सुजुकी की इको, जो पिछले महीने नंबर 10 के पोजीशन पर थी, वो इस महीने नंबर 6 के पोजीशन पर आई है, और इस गाड़ी ने अगस्त के महीने में 10,666 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 4.08 लाख से लेकर 5.39 लाख की प्राइसिंग करती है, और ये आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और प्लस सीएनजी मिलती है, जिस वजह से इसमें काफ़ी बेहतरीन आपको माइलेज भी मिलती है। अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो पिछले महीने नंबर 2 की पोजीशन पर थी, वो इस महीने नंबर 5 पर है, और इस गाड़ी ने 12,483 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.81 लाख से लेकर 8.56 लाख की प्राइसिंग करती है, और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। और अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये केवल आपको पेट्रोल में मिलती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 4 गाड़ी कौन सी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर आती है हुंडई क्रेटा। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है कि हर महीने ये टॉप 10 के लिस्ट में रहती ही रहती है। अगर हम इस गाड़ी के अगस्त के महीने में सेल्स फिगर के बारे में बात करते हैं तो 12,597 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 10.16 लाख से लेकर 17.87 लाख की प्राइसिंग करती है, और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 3 गाड़ी कौन सी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप अभी तक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए जानते हैं नंबर 3 पर कौन सी गाड़ी है। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पर आती है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। इस गाड़ी ने अगस्त के महीने में 12,906 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 7.51 लाख से लेकर 11.41 लाख की ये प्राइसिंग करती है, और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये केवल आपको पेट्रोल इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 2 पर कौन सी गाड़ी आती है।
अगर हम नंबर टू की बात करते हैं तो नंबर टू पर आती है मारुति सुजुकी की अल्टो, जो पिछले महीने नंबर सिक्स के पोजीशन पर थी वो सीधा इस महीने नंबर दो के पोजीशन पर आई है और इस गाड़ी ने 13,236 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 2.99 लाख से लेके 4.70 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। वहीं अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिलती है, जिस वजह से इसमें काफ़ी आपको बेहतरीन माइलेज मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर वन पर कौन सी गाड़ी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जो प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए जानते हैं नंबर वन पर कौन सी गाड़ी है। अगर हम नंबर वन की बात करते हैं तो नंबर वन पाती है मारुति सुजुकी की बेलेनो। अगर इस गाड़ी की हम सेल्स फिगर के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 15,646 यूनिट सेल्स की है और अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो ये आपको 5.98 लाख से लेकर 9.30 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये केवल आपको पेट्रोल इंजन में मिलती है। तो ये थी वो 10 गाड़ियाँ जो अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।